Hello dear students, how are you? I hope that you all have been working well, doing well about your studies with the help of my this YouTube channel, okay? Today we are going to know about the very first story from short stories of 12th class of UP board syllabus. Got it? Aaj hum class 12th ke UP board ke short story section mein. पहले तो अलग अलग बुक हुआ करती थी, अब एक ही बुक है तो एक सेक्शन हो गया वो. तो उस सेक्शन की जो पहली स्टोरी है बच्चों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे. इस छोटी सी वीडियो में, बहुत लंबा टाइम मैं नहीं लूँगा, हम इसकी स्टोरी के बारे में जानेंगे. इसको बहुत डिटेल्ड स्टडी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होते, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और वो हम आसानी से तैयार कर लेंगे. उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी कहानी सुने, इसकी जो आउटलाइन है स्टोरी की, कहानी में क्या है वो समझें. सो डियर स्टूडेंट्स, इस कहानी में जो एक मेन कैरेक्टर है उसका नाम है शंकु. मैंने इसको लिख दिया है शंकु द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. और ये कहानी है एक ऐसे कैरेक्टर की जो एक फैक्ट्री में काम करता है, एक बड़ा परिवार है उसका, कई बच्चे हैं उसके, और इतना गरीब है कि वो कई लोगों से कर्जा ले चुका है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डियर वंस, द लाइफ ऑफ शंकु इज फुल ऑफ डेब्ट्स. ही सो मच ओव्ड ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट पीपल फॉर सेवरल वर्क्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट ओकेजंस. अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग अवसरों पर, मौकों पर उसने कर्ज ले रखा है. तो बच्चों, एक कहानी सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है. शंकु है, फैक्ट्री में जाता है, 9 to 5 जॉब है उसका, वर्कर है, और वाइफ है उसकी, और बच्चे हैं कई. और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोरी डियर वंस. यही कहानी है, दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, एंड दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट. इसी के बारे में तो कहानी है, दैट शंकुज लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, हिज प्रॉब्लम्स. पहली प्रॉब्लम हमने इसके बारे में बता दिया आपको, वो गरीब है क्योंकि एक सिंपल वर्कर है, ऑर्डिनरी वर्कर है, ज़्यादा सैलरी नहीं है. ही गेट्स 13 rupees फॉर 13 days, एंड एवरी 14th day ही गेट्स ही सैलरी. हर सेकेंड वीक में उसे सैलरी मिलती है 8 rupees a day के अकॉर्डिंग. ही ओव्ड मनी, उसका लगभग 22 rupees और शायद 13 paise का कर्जा है ले रखा अलग अलग मौक़ों के लिए. 10 rupees उसने फंड ऑफिस में ले रखा है बच्चों, जिसमें से 5 rupees वो दे चुका है, 5 बकाया है. ये पैसा उसने लिया था लास्ट ईयर, अपनी मदर की डेथ एनिवर्सरी पर गया था. देन 1 rupee एक फिश वूमेन है जहाँ से वो मछली खरीदता है, वहाँ से है. 3 rupees इसका उसका कर्जा है बच्चों, एक ऐसी दुकान पर जहाँ वो लंच टाइम में, जहाँ फैक्ट्री में जाता है, चाय पीता है, बीड़ी पीता है, यू नो, तरह तरह के शौक भी हैं. सो बच्चों, जहाँ इस कहानी में हम देखते हैं कि शंकु गरीब है, दूसरी ओर हम ये भी कहानी बताती है कि उसकी गरीबी की बहुत बड़ी वजह उसका लाइफ स्टाइल है. पहला उसका खान पान, वो बीड़ी पी रहा है और वो मछली खा रहा है, लग्जरियस जीने की कोशिश कर रहा है, हालांकि होता नहीं है ऐसा, पॉसिबल नहीं है, फिर भी इन पैसों को बचाया जा सकता है. ये शायद कहीं ना कहीं स्टोरी राइटर इशारा कर रहा है इस बात का. उसके बच्चे बहुत हैं, एक और बड़ा बिग कंसर्न है उसकी लाइफ में, और उसका एक बहुत छोटा सा बेबी है हाल ही में, 1.5-2 साल का शायद, वो ज़मीन पे चलता है रेंगते हुए. उसकी पूरी बॉडी में सोर्स हैं, फुंसियाँ हैं. जब वो एक दिन निकलता है तो उसकी वाइफ उससे कहती है इसके लिए ऑइंटमेंट लेके लाना, तो वही 13 paise का बता देती, तो एक और खर्चा बढ़ जाता है. सडनली ही कम्स टू नो अबाउट दैट हिज वाइफ इज प्रेगनेंट अगेन. अचानक उसे पता लगता है, वो गौर करता है कि उसकी वाइफ एक बार फिर प्रेगनेंट है. सो इट मीन्स द अनदर वर्डन इज गोइंग टू ऑन हिज फैमिली, ऑन हिज शोल्डर्स. परिवार पर एक और खर्चा आ रहा है, एक और बोझा बढ़ रहा है. तो बच्चों, पहली चीज़ हम समझ लें, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पुअर है, ओव्ड है, बिग फैमिली है, एंड हिज प्रेग्नेंट वाइफ. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ही फाइनली डिसाइड्स टू स्टील द गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज ऑफिस ऑफ हिज बॉस, वाइट बॉस, द इंजीनियर, द चीफ इंजीनियर. उसकी फैक्ट्री का जो, देखिए उसका ही प्लान टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स. फाइनली उसके पास एक ट्रिक है, उसके लगता है कि शायद ये तरीका अपना कर वो अपनी समस्याओं से निजात पा सकता है. और ऐसा होता ही कई बार जब हम बहुत मुश्किलों में गिर जाते हैं बच्चों. एक इसमें एक कहानी भी हम सबके लिए है, तो हमें वहाँ पर सही रास्ते नहीं दिखते. सडनली ही स्टार्ट्स टू गेट द शॉर्टकट.
अचानक हम ऐसे मौकों पर जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं. डियर वंस, देर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ टू बी सक्सेसफुल. सफल होने का जिंदगी का रास्ता हमेशा लंबा ही है, और जब मुश्किलें बड़ी हों तो बच्चों उसके रास्ते भी बड़े ही होंगे, है ना. ऐसे समझ सकते हैं, जब बहुत बड़ा आप ढेर मिट्टी का इकट्ठा कर लें तो उसे आप धीरे धीरे से तो उसमें से वो बोझ कम कर सकते हैं, ढेर कम कर सकते हैं. यू कांट डू इट नो क्विकली इंस्टेंटली. तो ऐसी ही समस्याएं बड़ी हों तो उसके निदान में भी समय लगता है. ये इस कहानी का सेंट्रल थॉट है, सेंट्रल थीम है. गॉट इट? देन वी कैन से बच्चों कि ही हैज नो करेज टू डू दिस. वो आइडिया तो रोज नए नए सोचता है, नए नए प्लानिंग करता है, रात भर वो जगता रहता है कि अगले दिन जाऊंगा, ऑफिस खुला होगा, लंच टाइम में सब लोग बाहर जाएंगे, मैं जाऊंगा, वो गोल्ड वॉच उठा लाऊंगा, वगैरह वगैरह. एंड सो मैनी टाइम्स ही डिसाइड्स टू डू दिस, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ द रिजल्ट ऑफ दिस ऑल. उसे ये भी पता है अगर ऐसा पता लग गया तो उसकी नौकरी तो जाएगी, उसे पनिशमेंट मिलेगा, उसे मारपीट भी होगी. एंड इफ ही इज आउट ऑफ द फैक्ट्री ही विल हैव टू क्विट द जॉब. हाउ विल ही सर्वाइव देन विद हिज फैमिली? तो वो उस परिवार के साथ कैसे रह पाएगा, कैसे जी पाएगा? इसलिए बच्चों फाइनली जब वो डिसाइड करता है कि मैं आज जाऊंगा, तो एक दिन वो जाकर वॉच को उठा लेता है, जेब में रख लेता है. अचानक ही थिंक्स दैट इफ समबडी सीज हिम, अगर कोई उसे देख लेता है इस वक्त, वॉट विल हैपन? ही वॉज सो हॉरिफाइड, ही वॉज ब्रीथलेस. उसकी सांसें रुक नहीं, उसकी सांसें तेज तेज भी चल रही हैं, बहुत तेज, वो हांप रहा है बुरी तरीके से, घबरा है, पसीना पसीना हो गया. देन ही डिसाइड्स इन द एंड, उसे लगता है कि घड़ी को वहीं रख देना चाहिए. बिकॉज ही डजंट डू दिस, इट विल लीड हिम टू डेंजर. अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे मुश्किल बढ़ जाएगी, उसे खतरा हो जाएगा. देन ही पुट्स दैट गोल्ड वॉच ऑफ हिज वाइट वॉच बैक टू इट्स प्लेस. फिर उस घड़ी को वहीं रख देता है और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है. तो बच्चों बहुत अच्छी कहानी, एक बार फिर समझ सकते हैं. शंकु है, एक फैक्ट्री का वर्कर है, गरीब है, उसके पास बहुत कर्जे हैं, बड़ी फैमिली है, प्रेग्नेंट वाइफ है, ठीक है, बट उसके पास कोई रास्ता नहीं है इन सबसे निकलने का. उसका 13 रुपए की सैलरी आने वाली है, हाँ, और 3 रुपए का किराया भी है मकान का, और 22.5 रुपए 13 पैसे का कर्जा उसे चुकाना है. तो उसे लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकेगा. देन ही डिसाइड्स कि ही हैज टू स्टील द वॉच, द गोल्ड वॉच. वो सोने घड़ी चुरा ले जो 20-30 रुपए में बिक जाएगी, उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी. बट देन ही गेट्स द सेकेंड थॉट दैट ही शुड नॉट डू दिस बिकॉज इट विल नॉट हेल्प हिम, इट विल एंड हिज लाइफ. अगर वो ऐसा करेगा तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा, और कर्जा तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, बल्कि अब जो उसका सोर्स ऑफ इनकम है, जो उसका सर्वाइवल का जरिया है, जिसका परिवार पल रहा है, बच्चों को रोटी मिली, वो भी खत्म हो जाएगा. आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, इसके शॉर्ट क्वेश्चन हम समझ सकते हैं. कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वहां भी आपकी समस्याओं का निदान किया जाएगा. एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सिलेबस ऑफ फर्स्ट ईयर क्लासेस ऑफ NCERT बुक्स. गॉट इट? वेरी सून, इन 2-3 डेज, बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे. वही बुक्स जो अब CBSE बोर्ड में चल रही थी, हमारे UP बोर्ड में भी हैं. बच्चों तब तक आप ग्रामर सेक्शन की तैयारी करिए, और कोई चीज समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार वॉच करें, और नोट्स जरूर बनाइए इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप फिर वीडियो देखिए. सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए. थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे डियर वंस, बाय.